नमस्कार दोस्तों, मैं माकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एलसीएम निकालने की ट्रिक। जी हाँ, एलसीएम निकालने की ट्रिक। अभी तक आपने शायद ही ऐसी ट्रिक पढ़ी होगी जिससे कि एलसीएम निकाला जा सके। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में एलसीएम कैसे निकालें, ये आज की ट्रिक में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, हमने इधर कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और इनका हम एलसीएम निकाल कर बताएंगे ट्रिक के जरिए। तो पहला हम लेते हैं 248। इसका जो ट्रिक के जरिए हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका एलसीएम कैसे निकालते थे पुराने तरीके से। 2 1 2 2 4 2 4 8 2 1 1 2 2 1 1। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते थे, 2 into 2 into 2 2 2 4 2 8। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते थे, 8 एलसीएम इसका होगी। लेकिन हमें इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक के जरिए आपको एलसीएम निकालना है। देखते हैं ट्रिक आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक के जरिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले हमें देखना पड़ता है, 2, 4 और 8, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 8। अब हमें देखना पड़ता है कि जो 8 है क्या 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है। 2 और 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका एलसीएम 8 ही होगा। अगर बड़ा नंबर जो अन्य नंबर दे रखे हैं छोटे नंबर उनसे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तब तो आपका बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 और 4 हैं और इधर 8 है, 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो 4 से भी 8 डिवाइड हो रहा है, 4 2 8 और 2 से 2 4 8, तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2, 4, 8 and 16। तो 2, 4, 8 and 16 इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर है इसमें 16। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या ये जो 16 है 2, 4, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखिए, 2 से भी 2 8 जा 16, 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16, तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 16 हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट जो है 5, 10, 25, 50, 5, 10, 25 और 50, इसमें बड़ा नंबर क्या है, 50। बड़ा नंबर क्या है, 50। अब हमें ये देखना पड़ेगा 3 नंबर इधर इस्तेमाल दे रखे हैं, क्या इनसे ये 50 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 5 से तो डिवाइड हो रहा है, 5 10 जा 50, 10 5 जा 50, 25 2 जा 50, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 50 ही एलसीएम होगा 100%। आप अपने पुराने तरीके से भी निकाल कर देख सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है, इसके जरिए हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में किसी भी नंबरों का सम, किसी भी नंबरों का एलसीएम हम बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इस तरीके का कोई ना हो, मान लीजिए यहाँ पर 11 होता तो क्या होता। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम यही देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 3636। तो ये तो इजी है। अब हमें इसमें बिग नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, 36, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, 36 ही होगा। लेकिन अगला जो एग्जांपल है उसमें थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, 7, 14, 35। अब इसमें बिग नंबर क्या है, बड़ा नंबर कौन सा है, 35 है, तो 35 जो है ये बड़ा नंबर। अब हमें देखना पड़ेगा क्या 7 से डिवाइड हो रहा, 7 5 जा 35, 14 से डिवाइड हो रहा यानी नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर 14 से डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर, तो जो बड़ा नंबर है उसमें मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुणा करेंगे और कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा यहां पर। अब देखो क्या ये 14 से डिवाइड हो रहा या नहीं, तो 14 5 जा 70 होता है, 14 5 जा 70 होता है, 14 5 70 होता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 70, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, मैं एक बार फिर से इसी एग्जांपल को बताता हूं फिर से, जिससे कि अगले जो एग्जांपल बताएं वो आपको समझ में आ जाए। देखिए, इसमें बड़ा नंबर क्या है, 35 बड़ा नंबर है, बचे जो स्मॉल नंबर जो है 7 और 14, क्या इन दोनों से 35 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा तो 35 एलसीएम होगा, नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा, तो 7 से तो डिवाइड हो रहा है, 7 5 जा
35, लेकिन 14 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां पर हम रुक जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं यहां पर रुकना है। जब भी अगर ऐसा कंडीशन आए 14 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसमें हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर भी नहीं डिवाइड हो रहा तो 3 से करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए पहले तो हो गया 70। अब देखिए 14 से 70 डिवाइड हो रहा है, 14 फाइव या 70, तो आपका एलसीएम यही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 10 20 30। ये जो 10 20 30 है, अब देखते हैं इसमें बिग नंबर कौन सा है, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है। अब देखो 30 जो है क्या 10 और 20 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो 30 एलसीएम होगा, 10 से तो डिवाइड हो रहा है, 10 3 जा 30, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि 30 जो बिग नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 32 60। अब जो 60 आया, अब देखना है क्या 60 जो है 10 और 20, 10 तो 10 से तो डिवाइड ही होगा, 10 6 जा 60 और 20 से भी डिवाइड होगा, 23 जा 60, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 8 11 16। 8 11 16। अब इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर हम लोग रुक जाते हैं और आगे समझ नहीं पाते हैं। तो देखना है इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 16 इसमें बड़ा नंबर है। 16 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर है। 8, 11 और 16, इनमें 16 बड़ा नंबर, उसको मैंने लिख लिया। अब देखना है 8 और 11 से क्या 16 डिवाइड हो रहा है, तो 8 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 टू जा 16, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम रुक गए यहीं पे, लेकिन नहीं रुकना है। तो 11 जो है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए अगर यहां पर हम 2 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा। जब भी अगर प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर जब भी आए तो उसी प्राइम नंबर को उठा करके बड़े जो बिग नंबर होगा होगा आपका 16, बड़ा नंबर होगा 16, उसमें उसी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना, उसी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 और 11 की गुणा क्या होगी, 176, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 176। इस एग्जांपल को मैं फिर से बता रहा हूं आपको जिससे कि ये क्लियर हो जाए। देखते हैं 8 11 16, तो इनमें सबसे पहले आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर क्या है, 16। तो अब देखना है जो स्मॉल नंबर जो बचे हैं उनसे क्या 16 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे। तो 8 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 टू या 16, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 11 क्या है, तुरंत आपने देखा 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 से हम जब भी प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर जब भी आपका आ जाएगा तो प्राइम नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी प्राइम नंबर होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 और 11 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 176, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 176। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको बेहतर लगी होगी, और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और देखते रहें हमारे अन्य सारे भी वीडियोज हैं। इससे पहले कि मैंने आपको काउंटिंग फिगर्स, फिगर काउंट करने की जो ट्रिक बताई है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो देखते रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु। तब तक के लिए नमस्कार।